देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, घबराना तो है नहीं, अच्छे से संभल के करेंगे और आंसर तक भी पहुंचेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाई वाट नंबर शुड 3 to the power -8 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 3 to the power -4। 3 to the power 8 में, -8 में क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दे कि 3 to the power -4 बन जाए। वह नंबर हमें नहीं पता है, तो मान लेते लेट द नंबर वी, यहीं पे भेजा लगाना है। देखिए base 3 3 का बात हो रहा है, यानी 3 to the power नहीं पता क्या लेना है, तो x ले लेना है। बहुत सिंपल, जो क्वेश्चन में होगा। यहाँ 2 होता तो 2 to the power x, 4 होता तो 4 to the power x, 5 होता तो 5 to the power x। क्वेश्चन में 3 है तो 3 to the power x ले लिए हैं, 3 to the power x ले लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन में जो था वह वैल्यू 3 to the power x को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, 3 to the power -8 से। तो हमें रिजल्ट बोल रहा था क्या आना चाहिए, 3 to the power -4 आना चाहिए। बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ देखिएगा बेस इक्वल है, पावर ऐड होगा। पावर क्या होगा, ऐड होगा x+-8 इज इक्वल टू 3 to the power -4। दैट मीन्स 3 to the power x+-8 इज इक्वल टू 3 to the power -4। कहानी वही लिखेंगे, चूंकि हम लोग ये बात जानते हैं, सिंस द बेस इज सेम शो पावर आर इक्वल। सो पावर आर लिख क्या होगा, सो पावर्स आर इक्वल, तो पावर इक्वल होंगे। दैट मीन्स x-8 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -4 के। सो हमने देखा x=-4, +8 इधर आया, सॉरी -8 इधर आया, तो +8। तो देख सकते हो आप x इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आपको दिया है, 4 दिया है। हेंस द नंबर इज 3 to the power x, तो x यहाँ पर 4, और यही अपना फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 9, जो कि सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा।